गाजा के रफा में जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि रफा से हमास को खत्म करना इजरायली फौज के लिए ख्वाब की तरह हो गया है। वो इसलिए क्योंकि रफा में जैसे जैसे इजरायली सेना के टैंक आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके पीछे एक परछाई की तरह हमास के लड़ाके मौत बनकर चले आ रहे हैं और रफा में IDF को संभालने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। हमास के लड़ाके इतने भीषण तरीके से इजरायली सैनिकों पर टूट पड़े हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां देखो वहां इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों पर हमास के लड़ाके रॉकेट और गोला बारूद बरसा रहे हैं और इन हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि हकीकत में रफा को फतह करना IDF के लिए नामुमकिन हो गया है। दरअसल गाजा के बेट हैनन में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स ने इजरायली सैनिकों पर एक बहुत बड़ा स्नाइपर ऑपरेशन किया है। यहां पर अल कासिम के लड़ाकों ने एक ही गोली में एक बार में दो सैनिकों को ढेर कर दिया। अल कासिम ब्रिगेड्स ने बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि IDF के कुछ जवान एक बाड़े बंदी के पास खड़े नजर आते हैं और दूर से अल कासिम का लड़ाका इन सैनिकों पर घात लगाकर बैठा होता है और अचानक से अल कासिम का लड़ाका उन पर फायरिंग कर देता है और ये गोली सीधे जाकर पहले तो आगे खड़े जवान को लगती है और फिर उसे चीरती हुई दूसरे जवान को लग जाती है। गोली लगते ही दोनों जवान जमीन पर गिर पड़ते हैं जबकि एक जवान वहां से भागने लगता है। इसके बाद IDF का एक तीसरा सैनिक घायल सैनिकों को उठाने की कोशिश करता है तभी अल कासिम का लड़ाका उसके ऊपर भी गोली चला देता है और गोली लगते ही तीसरा लड़ाका भी जमीन पर गिर पड़ता है। इस हमले के अलावा दक्षिणी गाजा में अल कासिम के लड़ाकों ने इसराइल के मरकावा टैंक को भी उड़ा दिया। अल कासिम के लड़ाकों ने इस टैंक में रफा में यासिन 105 एंटी टैंक RPG फायर किए जिसमें बहुत बड़ा धमाका होता है और इस हमले के दौरान अल कासिम ब्रिगेड्स के लड़ाकों ने गाजा के ब्राजील इलाके में अल तकद्दुम और सला अल दिन गेट में मोर्चा संभाला हुआ था। यहां पर अल कासिम ने ताबड़तोड़ हमलों में इसराइल के कई टैंक उड़ा दिए। हमास ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके सामने खड़े एक टैंक पर RPG दाग देते हैं जिसमें ये टैंक आग का गोला बन जाता है। इसके बाद सड़क के उस पार खड़े एक और IDF टैंक पर अल कासिम का लड़ाका हमला कर देता है। और इस हमले के बाद अल कासिम का एक और लड़ाका एक घर के भीतर घुसकर सामने से जा रहे IDF टैंक पर RPG अटैक कर देता है। इसके बाद सामने खड़े एक टैंक पर भी अल कासिम के लड़ाके RPG फायर कर देते हैं और इस हमले में IDF का टैंक एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इन हमलों के बीच अलकुद्स ब्रिगेड्स भी नेतजरिम में इजरायली सेना की सप्लाई लाइन पर मोर्टार गोलों से हमला करती है और एक अन्य हमले में अलकुद्स ब्रिगेड्स अलक्सा मार्टर्स ब्रिज के साथ मिलकर जबालिया कैंप में इजरायली सेना के एक जमावड़े पर बमबारी कर देते हैं।